तो जैसे स्काई मास्टर ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो आपको जो प्लस वाले पे टैप कर देना है, उस पर 1.1 का रेजोल्यूशन लेना है कुछ इस तरह से दोस्तों। तो एक नया इंटरफेस खुल जाएगा, तो आपको जो सेटिंग में जाना है और इसमें जाने के बाद एडिटिंग में जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद आपको फुल स्क्रीन कर देना है। उसके बाद राइट पे क्लिक करने के बाद आपको मीडियम जाना है, इसमें जो उस फोटो को सेलेक्ट कर देना है जिस फोटो का आप जो है स्टेटस बनाना चाहते हो। चलिए मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। इसमें जो आप 6-7 फोटो जो है सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद आपको फिर से राइट पर क्लिक कर देना है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो। उसके बाद दोस्तों इस पर टैप कर देना है और इसका जो है साइज को सेट कर लेना है, तो इसके लिए आपको बीच वाले पर क्लिक कर देना है कुछ इस तरह से। उसके बाद आपको जो है कुछ इस तरह से करने के बाद आपको इक्वल वाले पर टैप कर देना है। चलिए मैं फटाफट से जो है इसको सेट कर लेता हूँ, तो आप भी कुछ इस तरह से कर लें। दोस्तों हमने पूरा फोटो का साइज़ जो है सेट कर लिया। उसके बाद आपको फिर से जो है फर्स्ट वाले पे आ जाना है कुछ इस तरह से। उसके बाद फोटो पे टैप कर देना है दोस्तों, और इसमें जो है आपका सबका विंटेज को ऑन कर लेना है कुछ इस तरह से। चलिए हम फटाफट से जो है सभी फोटो का विंटेज को ऑन कर लेते हैं कुछ इस तरह से, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। दोस्तों हमने विंटेज को ऑन कर लिया है, उसके बाद आपको फिर से फर्स्ट वाले पर क्लिक कर देना है, और इसका जो है साइज़ दोस्तों बहुत कम कर लेना है कुछ इस तरह से। तो हम इसको भी फटाफट से जो है साइज को छोटा कर लेते हैं, सब पिक का क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से जो इसका साइज को छोटा कर देना है। दोस्तों देख सकते हो हमारा जो जो फोटो का साइज है वो 1 मिनट का भी नहीं हुआ है। उसके बाद आपको जो है फिर से राइट पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद एक्सपोर्ट करने के लिए आपको तीर वाले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों इसको जो है एक्सपोर्ट कर लेना है, तो चलिए हम फटाफट से जो है इसको भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो अपना वीडियो जो है एक्सपोर्ट हो गया है। उसके बाद आपको फिर से बैक आ जाना है कुछ इस तरह से, जैसे कि आप देख पा रहे हो। उसके बाद आपको फिर से प्लस वाले पे क्लिक करना है, उसके बाद 1.1 का फिर से रेजोल्यूशन ले लेना है कुछ इस तरह दोस्तों। उसके बाद आपको फिर से मीडियम जाना है, मीडियम जाने के बाद हमने जो भी फोटो एक्सपोर्ट किया है उसको जो है आपको 7-8 बार 10-12 सेकंड तक कुछ इस तरह से ले लेना है। चलिए हम फटाफट से जो है फोटो को ले लेते हैं, आप 10-12 सेकंड तक कुछ रख सकते हैं। तो चलिए हमने दोस्तों हमने जो है 10 सेकंड का रख लिया है, तो आपको जो है फिर से राइट पर क्लिक कर देना कुछ इस तरह से। आपको फिर से फर्स्ट वाले पे आ जाना है, आपको फिर से मीडियम जाना है, उसके बाद बैकग्राउंड में जाने के बाद आपको एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड कुछ इस तरह से ले लेना है दोस्तों। उसके बाद आपको राइट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों इसका जो साइज है ब्लैक बैकग्राउंड का, उसको आपको 3 सेकंड तक रख लेना है, और पीछे का हिस्सा को ट्रिम टू राइट करके इस तरह से काट देना है। उसके बाद दोस्तों फिर से आपको जो है ब्लैक कलर के बैकग्राउंड के कुछ इस तरह से आ जाना है फर्स्ट पे। उसके बाद आपको फिर से लेयर में जाना है, फिर टेक्स्ट में। उसके बाद इसमें जो है दोस्तों आप अपने हिसाब से आपको जो भी अच्छा इमोजी लगता है उसको आप रख सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से इमोजी रख लेता हूँ कुछ इस तरह से। उसके बाद इसका साइज को दोस्तों कुछ इस तरह से खींच के बड़ा कर देना है। उसके बाद दोस्तों इसका जो इमोजी का जो साइज है कुछ इस तरह से, इसका लेंथ को यहाँ तक करना है, ब्लैक बैकग्राउंड जहाँ तक लास्ट होता है वहाँ तक। उसके बाद आपको कैंची पे जाना है और ट्रिम टू राइट करके इसको भी काट देना है कुछ इस तरह से। उसके बाद आपको दोस्तों ब्लैक बैकग्राउंड कुछ इस तरह से आ जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको फिर से जो है लेयर पे क्लिक करना है, उसके बाद इफेक्ट में जाना है, और यहाँ दोस्तों एक इफेक्ट आपको जो है डाउनलोड कर लेना है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको नेट जो है ऑन होना चाहिए, और गेट मोड पर क्लिक करने के बाद क्रोमेटिक ग्लिच को आपको डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया, तो मैं इसको जो है यहाँ पर लगा देता हूँ कुछ इस तरह से, आप जैसे देख पा रहे हो। उसके बाद दोस्तों इसका जो सेटिंग है, सेटिंग में जाने के बाद आपको जो है इसका सेटिंग आपको 3 तक रख देना है, और इसका जो क्वालिटी है इसको आपको जो है 15-16 कुछ इस तरह से रख लेना है। उसके बाद आपको राइट पे फिर से क्लिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद इसका जो क्रोमेटिक ग्लिच का जो इफेक्ट है इसको कुछ यहाँ तक लाना है दोस्तों। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से उसका यहाँ पर क्रोमेटिक ग्लिच पे क्लिक कर लेना है, और इसका साइज को दोस्तों कुछ इस तरह से खींच लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद जो है दोस्तों उसके बाद आपको कैंची का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ ट्रिम में जाना है, और इसको जो है पीछे का हिस्सा काट देना है, ट्रिम टू राइट करके इसको भी काट देना है कुछ इस तरह से, जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों। उसके बाद आपको फिर लेयर में जाना है, लेयर में जाने के बाद मीडियम जाना है, और एक इफेक्ट आपको डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। इसमें जितना भी मटेरियल में यूज़ करने वाला हूँ उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं उस इफेक्ट को कुछ इस तरह से लगा देता हूँ।
इसका दोस्तों आपको स्क्रीन पे जाना है और इसका साइज को फुल कर लेना है। इसके लिए आपको इसको ऑन कर देना है कुछ इस तरह से दोस्तों, तो यह ऑटोमेटिकली फुल हो जाएगा। उसके बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है, फिर से इसको जो है दोस्तों क्लिक कर देना है इसके सेल इफेक्ट को। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, ब्लेडिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, इसको जो है स्क्रीन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद आपको फिर से जो है स्पेशल इफेक्ट पे क्लिक करना है और इसको जो है थोड़ा सा कुछ इस तरह से जो है आपको प्ले कर लेना है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह से, जहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों कुछ यहाँ तक उसका जो है सामने का हिस्सा काट लेना है। उसके लिए आपको फिर स्पेशल इफेक्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद कैंची पे जाना है और सामने का हिस्सा काटने के लिए ट्रिम टू लेफ्ट करके इस तरह से काट देना है। उसके बाद दोस्तों स्पेशल इफेक्ट को कुछ इस तरह से जो है प्रेस कर लेना है, उसके बाद कुछ इस तरह से आगे लाना है जैसे कि आप देख पा रहे हो। उसके बाद दोस्तों फिर से जो है एक इफेक्ट को आपको फिर से लेना है, तो उसके लिए आपको फिर से लेयर में जाना है, फिर मीडियम जाना है, उसके बाद कुछ इस तरह का इफेक्ट आपको फिर से जो है यहाँ पे लगा लेना है। उसके लिए दोस्तों आपको फिर से जो है इस स्क्रीन को फुल करने के लिए आपको जो है इसको ऑन कर देना है कुछ इस तरह से। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से अभी जो हम इफेक्ट लगाए उस पर टैप करना है और इसको भी जो है ब्लेंडिंग में जाने वाले इसको भी स्क्रीन कर देना है कुछ इस तरह से, जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों। उसके बाद आपको फिर से जो है लेयर में जाना है, फिर आपको जो है यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, अपने चैनल का नाम, फिर आप मतलब आप बना रहे हो उसका भी आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों। इसका फ्रंट बदलने के लिए आपको जो है इस वाले पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे बहुत सारे आपको जो है फ्रंट फॉन्ट देखने को मिल जाएंगे कुछ इस तरह से, आप अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकते हैं। चलिए मैं एक लगा लेता हूँ कुछ इस तरह से, जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, कुछ इस तरह से लगा लेना है दोस्तों। उसके बाद आपको फिर से राइट वाले पे क्लिक कर देना है और उसके बाद तो आपको फर्स्ट वाले पे आ जाना है कुछ इस तरह से। बाद आपको ऑडियो में जाना है और उस वाले सॉन्ग को जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है कुछ इस तरह से दोस्तों। हमारा सॉन्ग जो है लग चुका है। उसके बाद आपको इधर आ जाना है दोस्तों कुछ इस तरह से, और सॉन्ग का जहाँ तक सॉन्ग लास्ट हो रहा है उधर का जो पीछे का हिस्सा है उसको आपको जितने आपने वीडियो सेलेक्ट किया था उसको जो है कुछ इस तरह से काट देना है। चलिए मैं फटाफट से जो है इसको काट देता हूँ दोस्तों। जहाँ तक सॉन्ग का लेंथ था वहाँ तक हमें जो है वीडियो का लेंथ को काट दिया, जिससे जो है पीछे का हिस्सा। उसके बाद दोस्तों हमारा जो वीडियो है 12 सेकंड का हो गया है दोस्तों। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ जाना है तेरे नाम जो हमने इफेक्ट लगाया था उसको जो है ऑडियो में जाना है और इसका जो आवाज़ को है साइलेंट कर लेना है। तो चलिए हम दोनों का आवाज़ को जो है कुछ इस तरह से साइलेंट कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए हम प्ले करके देख लेते हैं हमारा वीडियो किस तरह का बना है। दोस्तों हमारा वीडियो जो बनकर तैयार हो गया है दोस्तों, इसको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको फिर से ज़्यादा तीर वाले पे क्लिक कर देना है कुछ इस तरह। उसके बाद इसको इस पर क्लिक करना है और शेयर वाले पे क्लिक करने के बाद इसको एक्सपोर्ट कर लेना है दोस्तों कुछ इस तरह से। आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।